गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज क्रूज़ का डे टू है और इसमें आज बहुत सारे एक्टिविटी है। ये क्रूज़ का पहला पोर्शन है जहाँ से आप लोग मैं पूरा दिखाऊंगा, मतलब बिल्कुल। और ये क्रूज़ चल रहा है अभी, मतलब 40-50 की स्पीड में होगा, बट ये पता नहीं चल रहा है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे। अभी नाश्ता करने में मेरे को थोड़ा लेट हो गया और ये नाश्ता का पूरा हमारा ये है। यहाँ पे पूरा बहुत ही बड़ा है रेस्टोरेंट है जिसमें हम पूरा बैठ के खाना खाएंगे। तो अभी रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, हमने भी खाना खा लिया और ऊपर जा कर के आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाते हैं इसका, ठीक है। मतलब इसको एक लग्जरियस फील कर सकते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो ये फूड कॉर्नर के बाद ये यहाँ से अभी जा रहा है। ये बिल्कुल मतलब 10th फ्लोर का नज़ारा ही दिखा रहा हूँ। 10th फ्लोर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं अभी ऐसे आप लोग सामने देख पा रहे हो। मतलब ये स्विमिंग पूल है और बारिश की वजह से अभी पूल के अंदर थोड़ा वो कम है, लेकिन ये जो सामने जो दिख रहे हो ना, ये पूरा उधर जाके क्लाइंबिंग भी है, बहुत सारी चीज़। मतलब ये कम से कम 2 एकड़ का जगह है उसका ऊपर है। लोग स्विमिंग कर रहे हैं अभी। अंशा भी नहीं आया, अंशा अभी रूम पे है और जैसे आ जाएगा पूरा वो कर लेगा। ये बिल्कुल शिप का वो है, राडार है ऊपर वहाँ पे। ये ऊपर 11th फ्लोर पे हम लोग जाएंगे अभी बाद में, और अभी यहाँ से दिखा लेता हूँ। स्विमिंग पूल है और रात में यहाँ पे जो डिस्को का वीडियो, कल का जो वीडियो आया था उसी पे यहाँ पे डिस्को हुआ था। और यहाँ पे भी किड्स का भी है, तो हम किड्स को लेके आएंगे अभी, उसको पूरा वो कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग करके आके यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, बिल्कुल रेस्ट कर सकते हो। पूरा दिन का भी मतलब नज़ारा ही अलग है। अभी तो आज का दिन, कल रात तो हो गया, आज का दिन है और फिर कल का, मतलब आज का रात भी है, तो मतलब 2 नाइट 1 डे। ये 11th फ्लोर में ओपन स्पेस है, राडार है और इसमें पार्टी शर्टी होता है और बिल्कुल आपको फील नहीं होगा, मतलब ये एक शिप है। लेकिन ये अभी चल रहा है, ये देखो नीचे पूरा पानी है, पानी जा रहा है, लेकिन अभी ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना हैवी की वजह से इसमें वो नहीं हो रहा है। ये टॉप फ्लोर व्यू है और इसमें आप जैसे शिप देख रहे हो आगे जा रहा है, ये पूरा इधर से है, तो ऐसे करके पूरा इसका शिप का मतलब अभी हम लोग पूरा फ्रंट पे ही है। इलेवेंथ फ्लोर का नज़ारा ही कुछ अलग है, पूरा पानी पानी है और इसमें जैसे लोग अभी नाश्ता करके आके यहाँ पे बैठ रहे, लेकिन बारिश हो गई इसलिए वजह से थोड़ा वो है, कम है। लेकिन ये जैसे आप लोग राडर उडर है ये सब है। ये देखो सामने हमारा अंकल जी फ़ोटो वोटो खींच रहा है, मतलब पूरा फैमिली के साथ, मतलब ज़बरदस्त है, इसमें कोई कमी नहीं है। और लग्जरीज तो फील है ही है, बाकी बच्चों के एंटरटेनमेंट सब है, भरपूर बच्चे का। अभी किड्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाकर के उसको आंशा को लेके जाएंगे, मिखा को लेके जाएंगे, देखते हैं क्या क्या है। ये जो आगे जो देख रहे हो ना, इसमें पूरा एकदम वो है, बहुत ही बड़ा है। उधर भी डिस्को उसको है पूरा, इसमें जैसे हमने यहाँ रात में आके बैठा था एक बार, उसमें बैठ करके चाय जूस पिया था, फिर इधर से निकल जाएंगे अभी। ये आ गए अभी 10th फ्लोर का बैक साइड में, यहाँ पे रॉकिंग क्लाइंबिंग होता है, तो उसका टाइमिंग भी है, तो हम आएंगे उसमें, देखते कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये ऊपर जिम है, अभी आप लोगों को जिम भी दिखा देता हूँ कैसे है क्या है। ये जो कल रात जो आया था मिर्हा को लेकर के, इसमें डिस्को है और डिस्को के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें जिम के अंदर, और डिस्को के होके अंदर ऊपर जाना पड़ता है। तो अनबिलीवेबल है ये, इतना शिप के अंदर इतना कुछ होता है, मेरे को पता नहीं था, बढ़िया चीज़।
तो ये है जिम, अभी टाइम मिलेगा तो अभी आएंगे इसमें करने के लिए। और लोग भी कर रहा है इसमें, ऐसा नहीं है खाली रखा हुआ है। सी व्यू जिम है, इसमें मतलब पूरा लोग जिम कर रहा है अभी सब। और मस्त तरीके से है, अरेंजमेंट किया हुआ है इसमें हुआ है। जिसका मन करे वो जिम कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ये है 5th floor के ओशन इमेज इन फोटो गैलरी। तो आगे ये अंशा भी इधर खड़ा है और इसको अभी आगे जाएंगे, इसमें कुछ फोटो गैलरी होगा तो उसमें कुछ दिखाएंगे। और इसमें जैसे लोगों ने फ़ोटो वोटो लिया हुआ, और इसमें देखते कैसे क्या होता है। ये गैलरी है, मतलब जैसे केबिन के अंदर बैठ के आप फ़ोटो खींचोगे, जैसे ये केबिन में बैठोगे, इसमें बैठोगे, इसमें बैठोगे, फ़ोटो स्टूडियो के अंदर यहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हो। और ये एक खेलने की जगह है, लोग खेल रहे हैं इसमें से। और अभी अंशा भी बोल रहा है मतलब खेलने के लिए। ये भी ओशन व्यू है, ये तो लग्जरियस है। वीडियो में पापा को मारोगे आप हैं? पापा को क्या? ये अभी आ गए हम लोग, चेयरमैन क्लब है। और इसके बाद ये जो कल का वीडियो में दिखाया था ना, ये एंट्री करने के टाइम, ये डेक्स 5 है। और यहाँ पे ये डेक्स 5 में एक रेस्टोरेंट है, ये बस जैन एंड वेजिटेरियन करने के लिए। तो इसका नाम है स्ट्रेट लाइट, और इसमें अभी तो क्लोज्ड है। और आगे पूरा दिखाएं, अभी क्लोज्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो तो पूरा मतलब बहुत ही बड़ा है, पूरा जैसे ऊपर का फूड कॉर्नर था ना, ऐसे ही पूरा रेस्टोरेंट है ये। ये कोडिलिया का गेमिंग जोन है, और इसमें गेमिंग आर्केड लिखा हुआ है, इसमें गेमिंग है। और ये 6 डेस्क में है, मतलब 6 डेस्क का मतलब है ये 6th floor का है, जहाँ से आप मतलब ये बच्चों के लिए ये ले सकते हो कुछ भी। इधर से भी स्टेशन, मतलब गेमिंग स्टेशन है, इसमें से आप मतलब यहाँ से बुकिंग करके फिर यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से बुकिंग करके। जो अभी उसका वेडिंग बोला था ना, क्रूज वेडिंग, इसमें ये है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे लकी इन लव, तो इसका ये है, इसके खड़ा होकर के आप फोटो वोटो खींच सकते हो। और पूरा शो मतलब ब्राइडल शादी है पूरा, शायद 5 डेज ये, क्योंकि जो हमारा क्रूज है ये गोवा से जाएगा, ये अंडमान निकोबार। तो गाइज अभी एक्चुअली दिन में आया था ये स्पा के लिए, ये मतलब कुछ वीडियो दिखाने के लिए, इसमें क्या क्या है, हेयर कटिंग है और ये है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मतलब रात पे आया है तो अभी दिखाऊंगा बस। इधर से जा कर के अब पूरा रूम है, मतलब इधर से जाकर ओशन व्यू है, ये है और ये सब है। इस पर आकर के आप हेयर कटिंग भी कर सकते हो, हेयर कटिंग भी है। और इसमें जैसे अलग अलग टाइप का हेयर कटिंग है, वो है स्पा है, मसाज है। और इसके बाद आप लोगों को मसाज के लिए इधर जाना पड़ेगा,
ऐसा गाना वाना बजेगा जो भी है, और इसमें पूरा ये है, इसमें बाथरूम वगैरह है, सब है। तो एक साथ दो बंदे का वो होगा, मसाज होगा उसमें। तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। इधर भी है, इन लोगों का पूरा हुआ है, और ये भी है। तो अल्टीमेटली मतलब पूरा लग्जरियस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप हेयर कट भी कर सकते हो, स्पा भी कर सकते हो, जो मन करे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी आज मैच है, तो पूरा इसमें बैठ के हम देखेंगे और उसका पूरा मजा लेंगे, एकदम लाइव है इसमें। ये आ गए, आज लास्ट डिनर है, और ये हम डेक्स 4 पे आ गए, एक रेस्टोरेंट है। ये भी मतलब डेक्स 10 से कम नहीं है, मतलब पूरा बड़ा ही है। ये थोड़ा और थोड़ा लग्जरीज ये है, चेयर वगैरह पूरा अच्छे से है, और ये जैसे खाने वाने हैं सब। हम तो वेज ही खाएंगे, नॉन वेज अगर अच्छा मिलेगा तो खाएंगे। तो गाइस अभी आज हमारा लास्ट डे है रूट क्रोजिलिया पे, और अचानक से ये हम लोग दो भाई मिल गए। ये भाई एक है शाकिल और इनका नाम है मुन्ना रजाउल, और दोनों हमारा मतलब सिलचर से है मतलब। और शाहीन ये इनका भी फ्रेंड है, ये जो मामूजान है, मामूजान का फ्रेंड है। तो सब मस्ती कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कैसे लग रहा है शाकिल भाई? मस्त लग रहा है ना मुन्ना भाई? कैसे लग रहा है? हाँ, पैसा वसूल ना, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं अभी, और अंशा के लिए अभी पिज्ज़ा आ गए, बस कुछ नहीं खाया, अब देखते हैं पिज्ज़ा। ये मेरा भी है साथ में, अरे गरम 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 गरम। ओके, तो ये है हमारा एंट्री 3650, और इसमें अब पूरा दिखाएंगे। ये दो रूम का, एक रूम का दो बेड है, और बगल में वो है, इधर जाके पूरा मतलब ओशन व्यू है पूरा, वो दिन में दिखाएंगे पूरा। गुड मॉर्निंग, आज हमारा लास्ट डे है, और 6 बजे का नाश्ता भी हो गया, अभी धीरे धीरे चेकआउट हो जाएगा। और ये ऊपर आया है कुछ ऊपर से नज़ारा दिखाने के लिए गोवा की, तो वेलकम टू गोवा। तो ये मतलब हमारा लास्ट डे मतलब अभी सुबह ही हम यहाँ से चेकआउट हो जाएंगे, और इसके बाद फिर गोवा में 4-5 दिन रहेंगे। तो मिलते हैं गोवा के लिए, और अब नया ब्लॉग के लिए अब तैयार रहो। शाहीन है इधर, सुबह का नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके फिर यहीं पर रह गए। और ये देखो गाइस कितना शिप्स है, ये कार्गो शिप्स है। ये यहाँ पे गोवा में तो कुछ अलग ही नज़ारा लग रहा है। क्रूज़ भी है, ये भी एक और क्रूज़ लग रहा है, ये भी कार्गो है। तो
तो इसमें मतलब बहुत सारे वो है। तो गाइस अभी हम लोग गोवा पहुंच गए और ये कोडिल्ला का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा। और अभी हम लोग यहाँ से उतर गए और उतरने के बाद बैग चेकआउट हो गया। ये जो सामने जो आप देख रहे हैं, इधर से नीचे आकर इधर से आया और फिर इधर से हम लोग पूरा बाहर जाएंगे, जा करके पूरा मतलब कैब लगा करके फिर हम गोवा का जो एयरबीएनबी से रखा है उसमें जाएंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।